हेलो एवरीवन माय नेम इज़ रिद्धि इस लेक्चर में हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस के पिछले एक साल के जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो सब डिस्कस करने वाले हैं ऑल्सो ये करंट अफेयर्स पी टी थ्री सिक्सटी कोर्स का पार्ट है जो कि आप सिनॉपसाइज डॉट कॉम वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं एंड पिछले एक साल के करंट अफेयर्स जो भी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री प्रिल्मस के लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ हम प्री पॉइंट ऑफ व्यू के पॉइंटर्स ही पढ़ेंगे यहाँ पर मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड डिटेल्स इसमें हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सबसे पहले हमारा एम होना चाहिए ये प्री का एग्ज़ाम क्लियर हो इसी वजह से सिर्फ उतना ही पार्ट डिस्कस करेंगे जो कि एक न्यूज़ है फॉर एग्जांपल तो उसके प्री पॉइंटर्स डिस्कस करेंगे ठीक है ऑल्सो जो भी कंटेंट हम लोगों ने लिया है जैसे बहुत लोग पूछते हैं कि क्या इस कंटेंट को पढ़ने के बाद हमें और कुछ पढ़ने की नीड है तो इसी वजह से हम लोगों ने ये लिंक्स एडिड ऐड किए हैं जो कि हर एक टॉपिक के साथ एड add, एडिड है जहाँ से भी जो भी न्यूज़ ली गई है वहाँ पर लिंक्स एडिड हैं सो दैट आपको ये पता रहे कि ये पर्टिकुलर न्यूज़ यहाँ से ली गई है एंड uh, uh, बिल्कुल ऑथेंटिक और सारा सारे न्यूज़पेपर्स और सारे सोर्सेज को कवर किया गया है ओके सो लेट्स स्टार्ट विद आर लेक्चर इंडिया सऊदी अरेबिया तो सऊदी अरेबिया ऐसी कंट्रीज़ में से है जिसके साथ अभी तक इंडिया ने एक म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी या फिर कोई भी ऐसी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो भी असिस्टेंस चाहिए होती है इंडिया को या सऊदी अरेबिया को तो ऐसी कोई ट्रीटी साइन नहीं की है तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि इंडिया और सऊदी अरेबिया आर एंड टॉक्स तो बातें चल रही हैं कि एम एल ए टी ट्रीटी साइन करने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी साइन करने के लिए बात की गई है जिसमें इंडिया और सऊदी uh, अरेबिया एक फॉर्मल अरेंजमेंट में आएंगे जिसमें एक फॉर्मल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी इंडिया को अगर वो कोई क्रिमिनल केस इन्वेस्टिगेट कर रहा है और उसमें उसकी नीड है ठीक है तो एक बायोलिटरल अग्रीमेंट है ये इंडिया के साथ ठीक है तो इसी वजह से ये पर्टिकुलर टॉपिक न्यूज़ में था हिंदू uh, का ये टॉपिक है जहाँ से ये कॉन्टेंट हम लोगों ने लिया है ओके okay. अब सऊदी अरेबिया का ये मैप है तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं एंड न्यूज़ कॉन्टेक्स इसका यही है अभी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने रिसेंटली सऊदी अरेबिया विजिट किया था और इंडिया जो है वो रूपी रियाल ट्रेड के लिए भी सऊदी अरेबिया से ही इंडिया इज इन टॉक्स ऑल्सो ये यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस इंट्रोड्यूस करने के लिए और रूपे कार्ड्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए अरब कंट्रीज़ में ये बात चल रही है तो so, दोनों ही कंट्रीज़ ने अग्री किया है कि हम लोग ये वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी एल एन जी इन्फ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम स्टोरेज फैसिलिटीज जैसे प्रोजेक्ट्स पर कॉपरेट करेंगे एक दूसरे के साथ ऑल्सो एक मेमरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है जिसका नाम है मेकेनिज्म ऑफ कंसल्टे बिटवीन इंडिया एंड गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ये साइन किया गया था ताकि इंडिया और जीसीसी के बीच में एनुअल डायलॉग का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन किया जाए ठीक है तो ये पर्टिकुलर न्यूज़ है इंडिया uh, एक इंडिया uh, टाइम्स की न्यूज़ है इंडिया सऊदी अरेबिया इनिशेट टॉक्स ऑन रुपी रियाल ट्रेड यू पेमेंट सिस्टम तो दोनों ही कंट्रीज़ ये कुछ एरियाज़ में जॉइंटली कॉपरेट कर रही हैं दूसरा टॉपिक है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम अब ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम क्या है एक uh, uh, रीजन है जैसे रशिया का पूरा जो एरिया है उसका जो सिर्फ़ ईस्टर्न रीजन है तो रशिया का जो ये फार ईस्टर्न रीजन है यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इनक्रेज करने के लिए ये ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम इस्टेब्लिश किया गया था तो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम जैसे नाम आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि ईस्ट कोस्ट में जितनी भी कंट्रीज़ हैं या ईस्टर्न एरिया में या फिर साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ ये सब मत सोचना ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम ई e एफ -E का अगर बात आती है तो मतलब कि रशिया का जो ईस्ट रीजन है वो आपको माइंड में रखना है तो रशिया के ईस्ट रीजन में और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को एनकरेज किया जाए उसके लिए ये ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को इस्टेब्लिश किया गया था 2015 में तो यहाँ पर ये यह बात किया गया था कि अलग अलग कंट्रीज़ आएँ और इन्वेस्टमेंट करें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं और ये शो केस करते हैं यहाँ पर इस फोरम में कि देखो यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पर आप बिज़नेस खड़ा कर सकते हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं और चाइना आज के डेट में सबसे बड़ा इन्वेस्टर है इस पूरे एरिया में तो ये जो फार ईस्टर्न फेडरल डिस्ट्रिक्ट है ये ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है रशिया का और जो कि पैसिफिक और आर्कटिक ओशन को बॉर्डर करता है और पांच कंट्रीज़ uh, हैं इसके जो बॉर्डर करती हैं चाइना जापान मंगोलिया यूनाइटेड स्टेट्स एंड नॉर्थ कोरिया ठीक है China, Japan, Mongolia, अब जैसे आप पढ़ रहे हो कोई भी टॉपिक अगर आपको जानना है कि एरिया कहाँ है या क्या हमने कहाँ से लिया है तो विकीपीडिया से ये पर्टिकुलर रेफरेंस लिया गया है सिर्फ इतना पार्ट सो दैट आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा अभी हम लोग ये लिंक देखते हैं तो ये रशिया जो फार ईस्ट रीजन है नॉर्थ ईस्ट एशिया का रीजन है यहाँ पर आप मैप में देख सकते हो ये पूरा एरिया है जो ईस्टर्न रीजन है ये पूरा एरिया ठीक है तो इसको कहते हैं हम रशिया फार ईस्ट रीजन ठीक है और ये आ, लेफ्ट का पूरा एरिया यहाँ पर आप छोड़ सकते सिर्फ रेड पार्ट आपको फोकस करना है जो हाईलाइटेड है तो रशिया का जो फार थी फार ईस्ट रीजन है नॉर्थ ईस्ट एशिया में आ, का ये रीजन है और आ, इसमें क्या है ये इसका लोकेशन यहाँ पर लिखा भी हुआ है लेक बैकाल जो कि ईस्टर्न साइबेरिया में है और पैसिफिक ओशन में है और दूसरी चीज़ ये है जो कि लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं कंट्रीज़ वो आपको ध्यान रखनी है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस प्री में पूछ लेता है तो अगर ये टॉपिक न्यूज़ में रहा है रशियन ईस्ट uh, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है एक तो मैप देखना ज़रूरी है दूसरी चीज़ ऐसी कौन सी कंट्रीज़ हैं जो इसको बॉर्डर कर रही हैं ऐसे कौन से सी है ऐसे कौन सा स्ट्रेट है या ऐसी कौन सी लेक है इसके पास ठीक है तो ये लेक बैकाल इन ईस्टर्न साइबेरिया एंड पैसिफिक ओशन के बीच में लोकेटेड है ठीक है और दूसरी चीज़ जो कंट्रीज जो रीजन इसके साथ लैंड बॉर्डर शेयर कर रहे हैं वो कौन कौन सी है मंगोलिया चाइना नॉर्थ कोरिया साउथ में है मैरिटा मैरीटाइम बाउंड्रीज हैं इसकी जापान के साथ साउथ ईस्ट में और यूनाइटेड स्टेट्स है द बेरिंग स्टेट इन टू द नॉर्थ ईस्ट तो बेरिंग स्ट्रेट आपको ध्यान रखना है ओके तो ये पूरा जो रीजन है ना उसका एरिया आपको ध्यान रखना जरूरी है ओके अगर आपको और डिटेल में इसके बारे में पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो बट प्री पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना जानना आपके लिए ज़रूरी था ठीक है दूसरी चीज़ आपको य, आ, ये ध्यान रखनी है कि ये जो पूरा एरिया है ये पैसिफिक और आर्कटिक ओशियन को बॉर्डर करता है ठीक है तो ओशियन का नाम आएगा पैसिफिक आर्कटिक याद रखना है ई uh, एफ जो है वो रशिया में हर साल होता है और अपना इकोनॉमिक पोटेंशियल दिखाता है ये बिज़नेस कंडीशन दिखाता है कि कौन सी सूटेबल बिजनेस कंडीशन आपके लिए हो सकती हैं और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज दिखाता है जो कि मैंने आपको अभी बताया जैसे और फार ईस्ट रीजन को एशिया पैसिफिक रीजन से कनेक्ट करने का इसका एम है कि दोनों एरियाज़ जो है आपस में कनेक्ट हो जाए ताकि ट्रेड और फैसिलिटेट हो पाए इंफ्रास्ट्रक्चर अपॉर्चुनिटीज़ या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और बढ़े यहाँ पर बिजनेस अच्छा हो पाए तो एक कनेक्टिविटी बिठाने के ऊपर है ये पर्टिकुलर एरिया तो चाइना इसका अभी सबसे बड़ा इन्वेस्टर है और बहुत सारे अग्रीमेंट्स किए गए हैं इस फोरम के अंडर जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट्स मिनरल एक्सकवेशन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एग्रीकल्चर पर फोकस करते हैं ठीक है तो ये हिंदू की ये न्यूज़ रही थी ये आ, आप पढ़ सकते हो द ईस्टर्न इकनॉमिक फोरम एंड इंडिया बैलेंसिंग एक्ट तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि वेयर आर द बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन द रशियन फार ईस्ट विच ऑल कंट्रीज आर करंटली इन्वेस्टिंग इन द रीजन तो कौन कौन सी कंट्रीज़ इस पर इन्वेस्ट कर रही हैं क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो यहाँ पर आप ये पिक्चर में आप देख सकते हो के स्टेटिस्टिक्स uh, आप थोड़ा सा देख सकते हो क्या क्या परसेंटेज है थर्टी थ्री परसेंट सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ऑफ रीजन्स पंद्रह परसेंट एजुकेशन में है देन फोर्टीन परसेंट ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स में तो ये आप देख सकते हो कि क्या क्या है इन्वेस्टमेंट एंड बैंकिंग का सेवन परसेंट ही है ठीक है तो रशिया ने अभी ये होस्ट किया था इस वजह से ये पर्टिकुलर टॉपिक न्यूज़ में है ओके तो न्यूज़ इसका यहाँ पर है प्राइम मिनिस्टर ने वर्चुअली सेवेंथ ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम अटेंड किया था जो कि रशिया के द्वारा होस्ट किया गया है यहाँ पर आप मैप भी देख सकते हो जो रशिया का जो फार ईस्ट रीजन है उसका मैप यहाँ पर ये यह पर यह पर्टिकुलर मैप दिया गया है और यहाँ से आप देख सकते हो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक है शंघाई को कॉरपोरेशन एसोसिएशन टू तो ये यूरोशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 2001 में बनी थी और शंघाई फाइव का एक सक्सेसर है जो कि 1990 1996 में बना था ऑफिशियल लैंग्वेजेस की दो हैं रशियन एंड चाइनीज़ हेडक्वार्टर बीजिंग में है एस सी रैट्स जो है इसकी परमानेंट बॉडी है जो कि ताशकंड में बेस्ड है इसका एम है कि हम सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को मेंटेन रखें यूरेशियन रीजन में ठीक है तो यूरेशियन रीजन पर ये फोकस करेगा सिक्योरिटी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने इंश्योर करने की बात की गई है और जितने भी इमर्जिंग चैलेंजे थ्रेट्स आते हैं तो उनके लिए हम हाथ मिलाएं आपस में और उनको फेस करें और ट्रेड कल्चरल एंड ह्यूमानिटेरियन कोऑपरेशन को और इन्हांस किया जाए इसके कौन कौन से मेंबर्स हैं इंडिया कजाकिस्तान चाइना के रिपब्लिक पाकिस्तान रशिया ताजिकिस्तान उज्बेकिस्तान ईरान ये सब मेंबर्स हैं तो इंडिया भी इसका मेंबर है ही इंडिया पाकिस्तान के साथ फुल टाइम मेंबर बना है अस्ताना समिट जो कि कज़ाकिस्तान में हुआ था 2017 में और ईरान जो है वो नाइन्थ मेंबर बना है एससीओ का इन रिसेंट समिट ऑफ एस तो न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट इसका यही है कि ट्वेंटी सेकेंड मीटिंग हुई थी काउंसिल ऑफ़ हेड्स ऑफ स्टेट ऑफ़ एस जो कि समरकंड उजबेकिस्तान में हुई थी मेन फोकस ये था समिट का कि रीजनल कॉपरेशन ट्रेड कनेक्टिविटी को यूरेशिया में बढ़ाया जाए समरकंड डेक्लेशन जो है वो इस पूरे जो सबमिट हुआ था उसके आउटकम के तौर पर ये डेक्लेशन अडॉप्ट किया गया था सिक्योरिटी मेन थीम था इस पर्टिकुलर समर्कंड डेक्लेरेशन का इसने एडवोकेट किया था कि पीस पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिफ्रेंसेज डिस्प्यूट्स होने चाहिए कंट्रीज़ के बीच में आपस में डायलॉग करो कंसल्टेशन करो तो बेसिकली नेगोशिएशन करके चीज़ों को रिजॉल्व करने के ऊपर बात की गई थी एस लीडर्स जो है उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान टू से लेकर ट्वेंटी तक के लिए अडॉप्ट किया गया था ताकि जो ट्रीटी ऑन लॉन्ग टर्म गुड नेबरलीनेस फ्रेंड फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन है उसका प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट किया जाए देन एस प्रेसिडेंसी जो है वो इंडिया को मिल गई थी फिर हैंड ओवर कर दी गई है और अभी 2023 के सबमिट के लिए इंडिया ही एस होस्ट कर रहा है तो वाराणसी जो है वो सबसे पहला एस टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल डिक्लेयर किया गया है 2022 टू टू ट्वेंटी के लिए ईरान को एक परमानेंट मेंबर एक्सेप्ट किया गया एस के लिए इंडिया ने एक एस वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन और एक नया स्पेशल वर्किंग ग्रुप ऑन स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन सेटअप करने के ऊपर एक प्रपोजल दिया है और इसमें इंडिया ने मिलिट्स को प्रमोट करने के लिए एक एक इनिशिएटिव लिया है उसको एम्फेसाइज़ किया है ठीक है तो यहाँ पर आप शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो भी डिटेल्स हैं मेंबर स्टेट्स कौन से हैं ऑब्जर्वर स्टेट्स कौन से हैं डायलॉग पार्टनर्स कौन से गेस्ट अटेंडेंसेस कौन सी हैं ये सब आप यहाँ से देख सकते हैं ठीक है ये पर्टिकुलर टॉपिक न्यूज़ में था तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं मिलट्स का जो न्यूज़ है वो ये है एट एस सी ओ समिट पी एम मोदी अर्जस्ट मिलट कल्टिवेशन फॉर फूड फूड सिक्योरिटी तो अगर इस तरीके से कुछ भी आ जाता है चारों ऑप्शन में से तो आपको ध्यान रखना है मिलिट्स के ऊपर बात हो रही है कि फूड सिक्योरिटी के लिए मिलट कल्टिवेशन पर बात हुई है ओके नेक्स्ट टॉपिक है रीजनल कॉपरेशन फॉर डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट इंडो पैसिफिक तो पांच रीजनल कमीशन्स है यूएन की कौन कौन सी हैं वो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं तो पहली है इसी इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप फिर लैटिन अमेरिका करेबियन एंड एशिया पैसिफिक के लिए है इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर वेस्टर्न एशिया न्यूज़ कॉन्टेक्स इसका ये है कि इंडिया एक रीजनल पावर की तरह एमर्ज हुआ है और नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है इंडो पैसिफिक एरिया में जो कि डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था द हिंदू की ये न्यूज़ है ये यह आप यहाँ से लिंक से देख सकते हैं इंडिया हैज़ एमर्ज एज रीजनल पावर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडो पैसिफिक रीजन तो यहाँ से आप देख सकते हैं समन्वय हुआ था एक्सरसाइज समन्वय हुआ था 2022 में एट आगरा एयरफोर्स स्टेशन तो उन्होंने अभी जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो उन्होंने एनुअल जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ में ये जॉइन किया था तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को आप एक बार ज़रूर देख जाना ओके नेक्स्ट टॉपिक है एस तो इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक ये इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म है एशिया पैसिफिक रीजन के लिए मोस्ट इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म है ऑल्सो कमीशन जो है इसमें क्या करती है इसमें टोटल फिफ्टी थ्री मेम्बर स्टेट्स हैं नाइन एसोसिएट मेम्बर्स है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट चैलेंजेस के सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करता है तो जो भी हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट चैलेंजेस आ रहे हैं उस पर सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का काम है इस पर्टिकुलर कमीशन का इकनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसेफिक का जो इसके सेक्रेट्रिएट हैं वो इंक्लूसिव रेजीलियंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं कैसे ताकि आप पहले एक्शन और नॉलेज जनरेट करो टेक्निकल असिस्टेंट कैपेसिटी बिल्डिंग सर्विसेज प्रोवाइड करो इस तरीके से आपको करना चाहिए तो एरियाज जो हैं जो भी जिस पर भी काम होता है वो ये सारे एरियाज है, हैं यहाँ से आप देख सकते हो जैसे सोशल डेवलपमेंट की जाएगी ट्रांसपोर्टेशन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इनोवेशन किया जाएगा इन्वायरमेंट डेवलपमेंट पर काम होगा आई डिजास्टर इस रिडक्शन पर काम होगा माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई जाएगी डेवलपमेंट के लिए फिनंस किया जाएगा स्टेटिस्टिक्स एनर्जी इन सब चीज़ों पर काम करने के ऊपर बात की गई है यहाँ पर आप ये पिक्चर के थ्रू समझ सकते हैं कि रीजनल कॉपरेशन कैसा चल रहा है डिज़ास्टर डिडक्शन में रिडक्शन में एंड uh, यहाँ आप देख सकते हैं न्यूज़ कॉन्टेक्स इसका ये है कि एशियन नेशंस uh, को ये कहा गया है टू एस्चिव ट्रेड बैरियर्स मतलब कि जितने भी ट्रेड बैरियर्स uh, लगे हुए हैं उसमें थोड़ा सा आप रिफ्रेन करना चाहिए जैसे कि नॉन टैरिफ बैरियर्स हो गए तो इन सब में थोड़ा सा रिफ्रेन करना चाहिए यू एन एस कैप ए डी बी ने कहा है कि डिजिटल uh, प्रोसेस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि क्या हो रहा है कि जितने ज़्यादा ट्रेड बैरियर्स ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे इंक्लूडिंग नॉन टैरिफ बैरियर्स उससे क्या होता है कि ये पॉजिटिव uh, से ज़्यादा नेगेटिव गया है तो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए अगर आपको अच्छा करना है तो एशियन नेशंस को ये बोला गया है कि आप थोड़ा सा रिफ्रेन करो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोज करने में ठीक तो ये पर्टिकुलर टॉपिक न्यूज़ में रही थी द हिंदू की ये न्यूज़ है जो बिजनेस एरिया में जो भी न्यूज़ रहती है उसमें आप देख सकते हो एशियन नेशंस आज टू एस्यू ट्रेड बैरियर्स नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट इन डिजास्टर रिलीफ अग्रीमेंट ये पार्टनरशिप अनाउंस हुई थी एज अ शेयर्ड विजन फॉर फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक दैट इज़ इंक्लूसिव एंड रेजिलियंस क्वाड की पार्टनरशिप ये पूरी हुई थी इंडो पैसिफिक रीजन की जितनी भी वलनरेबिलिटीज़ थी उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए क्रिएट हुई थी और इसका जो आप कह सकते हो फाउंडेशन थी ना जब ये बनी थी जो उसकी धारणा बनी थी फ़ाउंडेशन बनी थी वो कब से बनी थी जब सुनामी नहीं आ गया था आ, इंडिया में तो वो वहाँ से जो है ये चीज़ स्टार्ट हुई थी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ एग्रीमेंट तो एक डेडिकेटेड फ्रेमवर्क की तरह काम करती है कोट पार्टनर्स के लिए एक uh, फ्रेमवर्क है जो कि डिजास्टर रिस्पांस ऑपरेशंस को इस रीजन में कोऑर्डिनेट करने का काम करती है तो जितने भी यहाँ पर वर्लिटीज़ हैं इंडो पैसिफिक रीजन की उसको रिस्पॉन्ड करने का काम है इसका और फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक दैट इज़ इंक्लूसिव एंड रिजिलेंट इस पर ये काम करेगी ऑल्सो जो एच ए डी आर है विच इज़ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ अग्रीमेंट तो ये कैपेसिटी कैपेबिलिटी इंटर ऑपरेबिलिटी ऑपरेशनल सिनर्जी पर काम करेगी ताकि एच के अंडर ऑपरेशन को कंडक्ट किया जाए साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ों पर और ये काम करती है जो कि ह्यूमैनिटेरियन हुमारितरे, असिस्टेंस के अंडर ही आते हैं जैसे कि जेंडर इक्वालिटी पर और प्रमोट करना उस पर काम करना और इंक्लूड करना फिर विमेन एंड गर्ल्स एम्पावरमेंट पर काम करना देन जो कि ऐसे लोग हैं पीपल विद डिसबिलिटीज़ हैं ये इंश्योर करना कि वो एजेंट्स भी और बेनिफिशरीज़ भी हैं ह्यूमैनिटेरियन एक्शन के और ये इंश्योर करना कि जो भी इंडिजीनियस पीपल है या माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं या पर्सनस विद वलरेबल सिचुएशन है वो कहीं पीछे ना छूट जाए तो ये न्यूज़ का कही है कि क्वाड कंट्रीज़ ने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ अग्रीमेंट साइन किया था और क्वाड और जो है उनके रूट है एच पार्टनरशिप जो कि 2004 में हुई थी जब डिवास्टेटिंग इंडियन ओशन सुनामी आई थी तो एच पार्टनरशिप जो है वो क्वाड समिट में फाइनलाइज हुई थी टोक्यो में मे में, में। नासा सर्वो तो ये एक ग्लोबल नेटवर्क है रीजनल पार्टनर्स का जो कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट पर काम करता है तो यहाँ पर क्या है कि जितनी भी अर्थ ऑब्जर्वेशन जियो स्पेशल टेक्नोलॉजीज़ है उसका इंटीग्रेशन करके सर्वर जो है एक इनोवेटिव सॉल्यूशन डेवलप करता है ताकि एशिया अफ्रीका और अमेरिका जैसी एरियाज़ में लाइवलीहुड और सेल्फ रिलायंस फॉस्टर किया जाए लाइवलीहुड्स को और इम्प्रूव किया जाए तो यूएस के द्वारा ये लॉन्च किया गया है ताकि सैटेलाइट और जियो स्पेशल इन्फॉर्मेशन को डेवलपिंग कंट्रीज़ में प्रोवाइड किया जाए तो नासा और यू ने ये सर्वर हिंदू हिमालय दो में लॉन्च किया था इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट की पार्टनरशिप के साथ जो कि है काठमांडू नेपाल में तो हमारे माउंटेन डेवलपमेंट पर काम किया गया तो न्यूज़ कॉन्टेक्स इसका ये यू एस नासा इकरेसाइट ने ये लॉन्च किया था फ़ेज़ टू ऑफ सर्वर वेस्ट वेस्ट अफ्रीका तो नासा ने अनाउंस किया था कि नया जो सर्वर है अप्लाइड साइंसेस टीम ये उन्होंने नया लॉन्च किया था न्यू सर्वर अप्लाइड साइंसेस टीम तो ये पर्टिकुलर टॉपिक न्यूज़ में रहा था तो ये आपको पढ़ना है ओके सो नासा अनाउंसेस न्यू सर्वर अप्लाइड साइंसिस टीम ये यहाँ से लिया गया है सर्वर ग्लोबल डॉट नेट ऑफिशियल वेबसाइट से ही टॉपिक लिया गया है तो यहाँ से आप देख सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक है एशिया पैसिफिक क्लाइमेट चेंज अडाप्टेशन इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म ए पी प्लैट ए पी प्लेट जो एक ऑनलाइन इंफॉमेशन प्लेटफॉर्म है नेशनल और लोकल पॉलिसी मेकर्स रिसर्चर्स बिजनेस एंड इंडिविजुअल्स जो कि प्रैक्टिकल अप टू डेट इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं क्लाइमेट चेंज अडाप्टन और डेलीवेंट साइंस के ऊपर उनके लिए ये प्लेटफॉर्म है बेसिकली अगर शॉर्ट में मैं आपको बोलूँ तो क्लाइमेट चेंज Uh, को कैसे अडाप्ट करना है और उसके रिलेटेड जो साइंस है उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए या क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इंफॉमेशन प्लेटफॉर्म है जो भी रिसर्च कर रहे हैं लोग या फिर जो भी बिज़नेस कर रहे हैं या आ, ऐसे लोकल पॉलिसी मेकर्स हैं जिनको भी इंफॉमेशन चाहिए इंडिविजुअल्स को चाहिए वो यहाँ से ले सकते हैं तो ए पी प्लाट वो ऐसा प्लेटफॉर्म है तो ये जी ट्वेंटी एनर्जी एंड एनवायरमेंटल मिनिस्टीरियल मीटिंग हुई थी जापान uh, में तो वहीं पर ये 2019 में ये लॉन्च किया गया था इसका एम ये है कि एक कोलैबोरेटिव एफर्ट्स किए जाएं और उसके थ्रू एक डिसीजन मेकिंग और अडाप्टशन एक्शंस इनेबल किए जाएं ताकि हम प्रैक्टिकल साइंटिफिक नॉलेज एंड टूल्स को और यूज़ में लाएँ तो गोल जो है ए प्लाट का वो ये है कि सस्टेनेबिलिटी और रेजिलियंस कॉन्ट्रीब्यूट करना एशिया पैसेफिक रीजन में ताकि किस तरीके से वो हो सकती हैं तो ओबियसली आप आ, अच्छे डिसीजंस लोगे अडाप्टेसन एक्शन को सपोर्ट करोगे तभी ये क्लाइमेट चेंज एक्शन्स में और सस्टेनेबिलिटी रिजिलियंस जो है एशिया पैसिफिक रीजन में और आ पाएगी ये भी प्लाट जो है वो तीन कोर पिलर्स ऑफ एक्टिविटीज़ पर इस्टेब्लिश है जैसे कि साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज क्रिएशन ठीक है ये एक तो इस्टेब्लिश करता है देन टूल डेवलपमेंट इन कैपेसिटी डेवलपमेंट इन सब पे काम करता है ए पी प्लाट वेबसाइट और एक्टिविटीज़ ये ट्रिपल सी ए के द्वारा मैनेज है एट दी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरमेंटल स्टडीज़ ऑफ जापान तो यहाँ आप ये तीन पिलर्स देख सकते हैं ए पी प्लाट की एक्टिविटीज़ के तो ए पी प्लाट जो है साइंस और स्टेक होल्डर्स को ब्रिज करता है ताकि वो एशिया पैसिफिक रीजन में क्लाइमेट चेंज अडाप्टन पर काम करें और तीन इसके पिलर्स हैं टूल्स साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन कैपेसिटी डेवलपमेंट न्यूज़ कॉन्टेक्स इसका ये है एट कॉप ट्वेंटी ट्वेंटी टू दो हज़ार सोलह में जापान ने ये प्लान अनाउंस किया था ए पी प्लाट को इस्टेब्लिश करने का दो हज़ार बीस में एंड देन क्लाइमेट चेंज अडाप्टन एक्ट ऑफ जापान जो कि दो हज़ार अठारह से इफ़ेक्टिव है उसने एक इंटरनेशनल सिस्टम को डेवलप किया था ताकि क्लाइमेट चेंज पर इंफॉर्मेशन शेयर की जा सके थ्रू ए पी प्लाट तो ए पी प्लाट जो है वो क्लाइमेट चेंज अडाप्टन एंड मिटिगेशन पैकेज में मैंशनड है ओके नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइमेट एंड ओशन सपोर्ट प्रोग्राम इन द पैसिफिक तो एक फाउंडेशनल क्लाइमेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज है जो कि पैसिफिक रीजन में जो भी पॉलिसी या प्रोग्राम डेवलपमेंट या उसके इम्प्लीमेंटेशन पर काम करती है ठीक है जो भी चीज़ यहाँ पर कोई भी पॉलिसी Uh, आपको डेवलप uh, करनी है या प्रोग्राम डेवलप करना है इम्प्लीमेंट करना है तो उसको इंश्योर करने के लिए क्लाइमेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज़ का एक फाउंडेशनल क्लाइमेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज़ है और एम uh, का यही है कि पैसिफिक आइलैंड्स जितनी भी हैं उसकी कैपेसिटी को और इन्हांस किया जाए ताकि अगर कोई भी वल्नरेबिलिटी वहाँ पर आ रही है या जो भी क्लाइमेट वेरिएबिलिटी अगर देखी जा रही है या टाइडल इवेंट्स होते हैं तो उसके इम्पैक्ट को मैनेज किया जाए और मिटिगेट किया जा सके तो ये इसका पूरा एम है कि पैसिफिक आइलैंड्स की कैपेसिटी को और इन्हांस करें इस वजह से क्लाइमेट एंड ओशन सपोर्ट प्रोग्राम इन द पैसिफिक लॉन्च किया गया था देन इसको ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट फंड कर रही है और ब्यूरो ऑफ मटेरियोलॉजी के द्वारा ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है Uh, और कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं वो सेक्रेटरीट ऑफ द पैसिफिक रीजनल एनवायरमेंटल प्रोग्राम एंड सेक्रेटरीट ऑफ द पैसिफिक कम्युनिटी में ट्रांजिशन में है ऑल दो ये पर्टिकुलर पॉइंट आप छोड़ भी सकते हो पर आपको ये ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इसको फंड कर रही है एंड ब्यूरो ऑफ़ मटीरियोलॉजी से ये इंप्लीमेंटेड है तो कन्फ्यूज़ नहीं होना इस पर्टिकुलर टॉपिक का ध्यान रखना है कि क्या है क्लाइमेट एंड ओशन सपोर्ट प्रोग्राम इन द पैसिफिक सी ओ एस पी पी ए सी न्यूज़ कॉन्टेक्स इसका यही है कि पैसिफिक कम्युनिटीज़ ने लानीना रिटर्न के लिए अलर्ट किया था और ऑस्ट्रेलिया ब्यूरो ऑफ मेटीरियोलॉजी सी ओ एस पी पी ए सी टेक्निकल साइंस लीड डॉक्टर सिमोन है उन्होंने ये कहा था कि लानीना जो है एक नॉर्मल पार्ट है हमारे क्लाइमेट सिस्टम का और एल नीनो एंड लानीना जो है इवेंट्स वो स्विंग बैक करते रहते हैं कि अभी आ रहे हैं जा रहे हैं तो वो चीज़ तो चलती रहेगी एवरी थ्री टू सेवन ईयर्स ऑन एवरेज बट रिसेंटली हमने एक वी हैव सीना सीरीज थ्री लानीना ईवेंट्स विच इज़ वेरी अनयूजल तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को इसी वजह से ये न्यूज़ में था अब सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन टू थाउजेंड फिफ्टीन टू थर्टी ये पहला मेजर अग्रीमेंट है पोस्ट टू थाउजेंड फिफ्टीन डेवलपमेंट एजेंडा तो यहाँ पर क्या बात करते हैं कि जितने भी इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क के जितने भी मेम्बर स्टेट्स हैं वो उनको कंक्रीट एक्शन प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो डिज़ास्टर के रिस्क से कुछ डेवलपमेंट गेंस प्रोटेक्ट कर पाए ठीक है तो यहाँ पर ये बात की गई है कि इसको थर्ड यूएन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में अडॉप्ट किया गया था ऑन डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन जापान में तो पूरा डिज़ास्टर मैनेजमेंट uh, के ऊपर ही ये जो लास्ट के हमने टॉपिक्स पढ़े वो उसी के उन्हीं लाइंस पर चल रहे हैं मतलब डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट रिस्क रिडक्शन इन्हीं पर ही चल रहे हैं और uh, सात बहुत ही क्लियर टारगेट है इसके चार प्रायोरिटीज़ हैं एक्शंस के लिए कि ताकि कैसे हम लोग डिज़ास्टर के रिस्क को और प्रिवेंट कर पाएँ या रिड्यूस कर पाएँ या नए डिज़ास्टर ना क्रिएट हो जाएँ तो उन सब चीज़ों पर यहाँ पर काम करते हैं सबसे पहले तो आपको डिज़ास्टर के रिस्क को समझने की ज़रूरत है फिर उसके बाद कि अब डिज़ास्टर रिस्क हमने समझ लिया तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कुछ तो हमें गवर्नेंस लानी पड़ेगी उस चीज़ में स्ट्रेंदन करनी पड़ेगी वो गवर्नेंस कैसे हम मैनेज करें समझ तो लिया डिज़ास्टर को बट अब उसको मैनेज भी करना है उसके बाद अब मैनेज कैसे होगा उसमें पैसे भी लगेंगे तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा उसमें डिज़ास्टर रिडक्शन में रेजिलियंस के लिए ताकि आ ना पाए डिज़ास्टर तो उसके बाद डिज़ास्टर अगर बाई चांस आ भी जाता है तो उसके लिए हमें प्रिपेयर्ड भी रहना पड़ेगा तो यहाँ पर क्या है थर्ड पॉइंट में ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है उसके लिए मैनेज अब प्रिपेयर्ड भी रह प्रिपेयर भी रहना है तो डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस को हमें इन्हांस करना पड़ेगा ताकि हम एक अच्छा रिस्पॉन्स इफेक्टिव रिस्पॉन्स दे पाएँ हम उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रह पाएँ एंड बिल्ड बैक बेटर इन रिकवरी रिहेबिलिटेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन तो इन थ्री आवर्स के लिए हमें हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए रिकवरी के लिए रिहेबिलिटेशन के लिए रिस्ट्रक्शन रिकन्स्ट्रक्शन के लिए पहले से ही ठीक है तो डिज़ास्टर प्रिपेयरनेस इसमें आ जाता है इसका एम यही है कि सब्सटैशियल रिडक्शन ऑफ डिजास्टर रिस्क अचीव करना और लोगों की जो जाने जाती हैं लाइवलीहुड्स चले जाते हैं हेल्थ में प्रॉब्लम आती है तो हेल्थ का लॉस होता है तो इन सब चीज़ों आ, से हमें निजात पाएँ और इससे इम्प्रूव करें तो इसी चीज़ों में यहाँ पर इसका एम है और इकोनॉमिक फिज़िकल सोशल कल्चर एनवायरमेंटल असेट्स हैं पर्सन के उनका लॉस हो जाता है बिजनेसेस का लॉस होता है कम्युनिटीज़ कंट्रीज़ तो उसमें अगले पंद्रह सालों तक जो भी लॉसेस रहे हैं उनको उनके ऊपर भी रिकवर करना और रिडक्ट रिडक्शन करना डिज़ास्टर रिस्क में तो वो उस चीज़ों पर उसको अचीव करने के ऊपर ये काम करता है यू एन डी डबल आर जो है इसका टास्क है ये कि इम्प्लीमेंटेशन फॉलो अप रिव्यू करना सेंडाई फ्रेमवर्क को एंड देन इंडिया जो है वो एक सिग्नेटरी है सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन की न्यूज़ कॉन्टेक्स इसका यही है कि जी ट्वेंटी जो है वो एक नया वर्किंग ग्रुप इस्टेब्लिश कर रहा है ऑन डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन अंडर द प्रेजिडेंसी ऑफ इंडिया इंडिया एक सिग्नेटरी है अगेन सेंडाई फ्रेमवर्क का और इसने काफ़ी सारी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया है डिज़ास्टर रिस्क को कम करने के लिए तो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान जो है वो सेंडाई फ्रेमवर्क पर बेस्ड है और एक गवर्नमेंटल जितनी भी एजेंसीज़ हैं जब भी डिज़ास्टर आ जाता है तो गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए गाइडलाइन प्रोवाइड करता है तो यू एंड डी डबल आर एंड डब्ल्यू एम ओ उन्होंने एक रिपोर्ट लॉन्च की थी जिसका टाइटल था ग्लोबल स्टेटस ऑफ मल्टी हजार्ड और अर्ली वार्निंग सिस्टम टारगेट जी इंटरनेशनल डे फॉर डिज़ास्टर इस रिडक्शन पर ये रिपोर्ट लॉन्च की गई थी तो ये रिपोर्ट जो है वो टारगेट जी ऑफ सेंडाई फ्रेमवर्क का जो ग्लोबल स्टेटस है उसको असेस करता है जो कि क्या है फ्रेमवर्क का जो ये जो ग्लोबल स्टेटस क्या है कि ताकि अवेलेबिलिटी और एक्सेस टू मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम को इंक्रीज़ किया जाए मतलब पहले से ही आपको पता लग जाए कि ये प्रॉब्लम आने वाली है तो उसके लिए आप सबसे पहले ही प्रिपेयर हो जाओ एक्सेस आपका रहे अवेलेबिलिटी रहे इस पूरे सिस्टम को तो इस पूरे सिस्टम के कि आपको अवेलेबिलिटी रहनी चाहिए एक्सेस आप कर पाओ मल्टी हज़ार अर्ली वार्निंग सिस्टम में और डिज़ास्टर रिस्क इन्फॉर्मेशन और असेसमेंट्स लोगों तक पहुँच पाए बाई ट्वेंटी इस रिपोर्ट के हिसाब से जो लेस देन फिफ्टी परसेंट ऑफ एल एंड वन थर्ड ऑफ स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स जो है वो उनको ये एम एच ई डब्ल्यू एस मिल पाया है मतलब जो मल्टी हजार और वार्निंग सिस्टम है वो मिल पाया है अभी तक ठीक है तो ज़्यादा ज़्यादा कंट्रीज़ के पास अभी तक है नहीं ठीक है तो ये पर्टिकुलर टॉपिक आपका न्यूज़ uh, में था तो इस वजह से हम ये पढ़ रहे हैं तो uh, फिलहाल के लिए अभी इतने ही टॉपिक्स थे ऑल्सो दिस आर वेबसाइट्स एन डॉट कॉम यहाँ पर आप जाओगे तो फ्रंट पेज पर ही आपको पी टी थ्री सिक्सटी का कोर्स मिलेगा जिसमें हम लोग करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं तो पिछले पाँच साल के करंट अफेयर्स और जो इस साल जो ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के करंट अफेयर्स हैं तो सारे करंट अफेयर्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए अबाउट दिस कोर्स वो आपको यहाँ से मिल जाएगी कोर्स डिफ्रेंशिएटर आप हर जो भी आप कोर्स में इंटरेस्टेड हो उसका ज़रूर पढ़ना है आपको ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर